गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह आप लोग की हिंदी टीचर और आज क्लास सेवन का व्याकरण पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर टू वर्ण विचार, आइए देखते हैं। वर्ण विचार में पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। छोटी से छोटी ध्वनि, जैसे हम जब उच्चारण करते हैं, जैसे अ का उच्चारण करते हैं, ये सबसे छोटी ध्वनि है। अब इसका इससे ज्यादा खंडन या इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे वर्ण कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, गायक, ये एक शब्द है। जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ग अ य अ क अ, यहां ध्यान देंगे, जब गायक लिखा हुआ है तो यहाँ कहीं भी हलंत या रेफ नहीं लगा हुआ है। जहां पे रेफ नहीं लगा हुआ रहता है या हलंत नहीं लगा रहता है, तो यहाँ पे ये व्यंजन के साथ स्वर है, यानी स्वर इसके साथ है। लेकिन जैसे ही हम इन स्वरों को अलग कर देते हैं तो इसके साथ ये हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी ये जो व्यंजन है ये बिना स्वर के है। यहाँ पे स्वर निकल गया, यानी एक एक वर्ण इसका अलग अलग हो गया, एक एक स्वर अलग हो गया, तो ये वर्ण अलग अलग हो गए। अब इस वर्ण को इससे ज्यादा खंडन नहीं किया जा सकता, यानी इसके ज्यादा टुकड़े अब नहीं हो सकते, अतः यह वर्ण कहलाता है। हिंदी में वर्णमाला है, वर्णमाला में 52 यानी 52 वर्ण जो होते हैं, ये 52 वर्ण, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहले हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर जिसके उच्चारण में हमें किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो स्वतः मुख से बाहर हो जाता है, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन जिसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर के बारे में देखेंगे। स्वर के तीन भेद होते हैं, पहला होता है ह स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ह स्वर, ह स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी अर्थात एक मात्रा का समय इसमें लगता है, ध्वनि जो है बिल्कुल बहुत जल्द मुख से बाहर निकल जाती है। ऐसे कौन से वर्ण होते हैं, ये वर्ण चार होते हैं, देखिए अ ई उ री, जिसको बोलने में बिल्कुल ही समय नहीं लगता, इसलिए इन वर्णों को हम ह स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में हमें ह स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी इससे दुगुना समय हमें दीर्घ स्वर में लगता है। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा यानी लंबा, तो इससे दुगुना समय लगता है। ये वर्ण जो है यहाँ पे सात होते हैं, कि कौन से वर्ण है, आ जिसको उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगा, ई उ ए आई ओ और अ, इसके ज्यादा समय लगा इसलिए ये दीर्घ स्वर में आता है, इसमें दो मात्रा का समय लगता है। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर में ह स्वर या दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगता है, यहाँ दो गुना है और ये इससे ज्यादा समय जब लगता है तब ये तीन गुना समय कहलाता है, यानी इसमें तीन मात्रा का समय हमें उच्चारण में लगता है। यह प्लुप्त स्वर उसे कहते हैं जो उच्चारण में तो है लेकिन लिखने में हमें दिखाई नहीं देता, ये छुपा हुआ रहता है। प्लुप्त का मतलब ही होता है छुपा हुआ होना। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें ये जो अ है ये छुपा हुआ रहता है, इसे इसी प्रकार से लिखा जाता है, जैसे ओम इस प्रकार से लिखा जाता है। स्वर की मात्रा देखेंगे। स्वर की मात्राएं जो होती हैं वो 11 तरह की होती हैं। स्वर भी 11 ही होते हैं, स्वर का जो स्वर जो है वो 11 प्रकार का होता है, देखेंगे उसकी मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ है, हर्षाई दीर्घाई हर्षव दीर्घव री ए आई ओ और अ, ये सारे जो हैं स्वर की मात्राएं हैं। अयोगवाह को हम देखेंगे। अयोगवाह ऐसी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर होती है और ना ही व्यंजन होती है, इसे
अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी तीन प्रकार की होती है। पहला होता है अनुस्वार, जिसको हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। अनुस्वार जो है पूरा का पूरा व्यंजन होता है। इसका उच्चारण हमेशा नाक से होता है और अनुस्वार में जो भी वर्ण आते वो व्यंजन से संबंधित रहते हैं और इसका प्रयोग हम लोग बिंदु के रूप में करते हैं। कहाँ पर? जो भी शब्द हम लिखेंगे उसकी शिरोरेखा, शिरोरेखा यानी शब्द के जस्ट ऊपर में करते हैं। जैसे गंगा, गंगा में जो ये बिंदु लगा अंगा का बिंदु है, ये गंगा में जो बिंदु लगा ये अंगा का बिंदु है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये व्यंजन है। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है और इसके प्रयोग शिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुनासिक जो है वो पूरा का पूरा स्वर होता है, स्वर से ही संबंधित रहता है। जैसे चांदी में ये अ की मात्रा है जो चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया गया है। तीसरा देखेंगे हम लोग विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण प्रायः ह की तरह होता है, इसको हम लोग हलंत भी कहते हैं। हलंत भी कहते हैं। इसका प्रयोग इस तरह से बिंदु के रूप में किया जाता है। ये तत्सम शब्द यानी जो शब्द संस्कृत से हिंदी वर्णमाला में प्रयोग किए जाते हैं या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसके प्रयोग के बाद हम लोग इस तरह से विसर्ग का प्रयोग करते हैं। यह अधिकांशतः तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है आपका प्रातः, ये आपका स्वर यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन जो है वो 33 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ, तीसरा होता है उष्म और चौथा होता है संयुक्त। पहला देखेंगे स्पर्श। स्पर्श का कहने का अर्थ होता है स्पर्श करना यानी छूना, यानी ये जो वर्ण है ये मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करेगा यानी छुएगा। ये जो होता है वर्णमाला के क से लेकर म तक व्यंजनों में होता है। क ख ग घ ङ जो भी है म तक हम जब पढ़ेंगे वहां तक हमारा पूरे मुख पर विभिन्न भागों पर स्पर्श करता है। यह व्यंजन जो है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करता है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है वो ना स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां होती हैं। इसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी अंग को भी स्पर्श नहीं करता। यह इसकी खासियत है कि जब अंतस्थ व्यंजन को हम प्रयोग करते हैं तो ये जो वर्ण का उच्चारण होता है ये मुख के किसी भी भाग को छूता नहीं है। बहुत जगह पर ल को अपवाद माना जाता है परंतु अब इसका शुद्ध उच्चारण न के बराबर होता है। जैसे य र ल, ल हल्का सा ऊपर चला जाता है और फिर है व, ये अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण। तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म का उष्म से समझ में आता है गर्म, गर्म यानी जो अधिक, जिसके उच्चारण में मुंह पर बहुत ज्यादा जिसके उच्चारण करने के समय मुख में वायु का टकराव हो और टकराव होने के कारण जो उष्मा पैदा होती है इसी कारण इस व्यंजनों को उष्म व्यंजन कहा जाता है। उच्चारण के समय मुख में वायु का टकराव होता है और जो उष्मा पैदा होती है इसी कारण इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। और इसके व्यंजन के उच्चारण में हमको सबसे अधिक यानी जोर या ताकत लगाना पड़ता है। जैसे कि तलापे स, मूर्धन्य स, दंते स और ह, ये चार वर्ण जो है इसके उच्चारण में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है। चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है वो दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को ही संयुक्त व्यंजन कहते है। संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजन आपस में जुड़ जाता है और नए व्यंजन का निर्माण करता है। जैसे कि छ, छ जो है क और श को मिलाकर बनता है और ये नया व्यंजन बन जाता है। जैसे ज, जो ज और ज अंगा को मिलाकर बनता है और एक नए व्यंजन का निर्माण करता है। जैसे त्र, जो त और र के जुड़ने से बनता है और नए व्यंजन का निर्माण करता है। जैसे श्र, स और र को मिला के बनता है और नए व्यंजन का निर्माण करता है। ये हमें बहुत सहायता करता है जब हम लोग वर्ण विच्छेद
करते हैं। वर्ण विच्छेद के समय जब ये व्यंजन हमारे शब्द के साथ कहीं भी रहता है तो इस रूप को ही वर्ण विच्छेद में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो छ है ये किसके मेल से बना है, त्र जो है वो किसके मेल से बना है, ज्ञ जो है किसके मेल से बना है और श्र जो है वो किसके मेल से बना है, किसके इसके इसी रूप को ही हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन यानी दो व्यंजन, जब व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसे समान व्यंजन ध्वनि यानी एक जैसा, जैसे कि दो बार च और च, च और च का दो बार एक साथ अगर प्रयोग होने लगे तो हमें यहाँ पे द्वित व्यंजन उसे कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं अपूर्ण हो जाता है, जैसे आधा च और पूरा च, जैसे ये अगर इसे शब्द बनाएगा तो बनेगा बच्चा, इस तरह से जैसे च च का प्रयोग, ज ज का प्रयोग, क क का प्रयोग, प का प्रयोग, बहुत सारे व्यंजनों के ऐसा प्रयोग होता है जहाँ पे दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, और जब दो व्यंजन आता है तो एक व्यंजन अपूर्ण और दूसरा व्यंजन पूर्ण हो जाता है, इसे द्वित व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों वर्ण विच्छेद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, कमल को हम अलग अलग करेंगे यानी कि इसमें जो स्वर मिला हुआ है उसको अलग करेंगे, जैसे क अ म अ ल अ, ये हो गया कमल। इस तरह से इस रूप में लिखना ही, किसी भी शब्द को इस रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। इस तरह आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें मैसेज बॉक्स पर कंप्लीट करें। थैंक यू।